अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सजा नहीं। मोहब्बत और इज्जत का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन मोहब्बत और इज्जत में किसी एक को चुनना पड़ जाए तो इज्जत फिर इज्जत है, हर बार इज्जत। जिसके पास दूसरा ऑप्शन होता है वो आपका कभी नहीं बनेगा। जिसने आपको छोड़ जाने का इरादा कर लिया हो वो दरवाजे की दरार से भी निकल जाएगा, और जो आपके करीब आने का ख्वाहिशमंद हो वो दीवार से भी रास्ता बना लेगा। मोहब्बत अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठे रहने की सलाहियत है। मोहब्बत ये तो नहीं कि एक दूसरे को जहनी मरीज बना दिया जाए, मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है। एक ऐसा शौहर चुनो जो आपके लिए अच्छा हो, ना कि आपके वालिदैन के लिए, ना कि बैंक अकाउंट के लिए। ऐसा कोई चुनो जो आपसे हर वक्त मोहब्बत करे, जो गलती ना होने पर भी आपसे माफी मांगे, जो आपको खोने से डरे, जो आपको खुश रखना चाहे, जो कभी भी रिश्ता खत्म ना करे। ऐसे शख्स को कभी मत खोना जो हर वक्त आपके साथ रहा हो, मोहब्बत का इजहार किया हो, वरना जिंदगी फिर कहीं सुकून नहीं मिलेगा, वरना जिंदगी भर कहीं सुकून नहीं मिलेगा। मोहब्बत के ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपने लिए कुछ तलब नहीं करते, जो मोहब्बत मांगा करते हैं, मांगते नहीं। मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, समझौता भी एक तरफा हो सकता है, लेकिन इज्जत दो तरफा चीज़ है, एक तरफा नहीं हो सकती। औरत की मोहब्बत बहुत ख़ास होती है, जिससे मोहब्बत हो जाए उसके नाम पर मर मिट जाती है, वो जैसे कहता है वैसे करती है, सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजार देगी मगर शक नहीं करेगी, यही उसकी खूबी है और नेक होने की निशानी भी। जिससे एक बार जुड़ गई उसकी हो जाती है, किसी और का सोचने से पहले वो मरना पसंद करती है। शादी का मोहब्बत से क्या ताल्लुक, निकाह नामे पर तुमने देखा है मोहब्बत का खाना? इंसान पत्थर दिल तब बनता है जब उसके एहसास और मोहब्बत को बार बार नीचा दिखाकर ठुकरा दिया जाए। कभी आपने ऐसा ताल्लुक महसूस किया है कि किसी शख्स की गैर मौजूदगी में जिंदगी खाली खुली माचिस की डिबिया बन जाए? इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की ज़ात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज़ का इतना आदी मत बनाएं कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ही ना हो। इंसान के वजूद में दो मुकाम होते हैं, दाता और मंगता। जो अल्लाह ताला का बंदा हो जाता है वो सूरत के एतबार से भी दाता हो जाता है और मायनों के एतबार से भी। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, साहबो सवाल मत बनो, जवाब बनो। मुखलिस मर्द अपनी हर फीलिंग, मोहब्बत, गुस्सा, रोमांस अपने हम सफर से शेयर करता है। अगर कोई मर्द हर फीलिंग शेयर नहीं करता तो समझ जाए वो किसी और से करता है।